देखो एजनियन अगर आप कैमरा परचेज करने जा रहे हो तो किन बातों को आपने अपने जहन में में रखना हो, उसके बारे में आज हम जिक्र करते हैं हैं देखो मेरे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं या जो एडवरटाइजर्स होते हैं इन दोनों में आज की डेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है बट मेजोरिटीज ऑफ रिव्यूज जो आते हैं टाइम ऑफ अनाउंसमेंट आपने उन पर उतनी ज्यादा उनकी ओपिनियन पर तवज्जो नहीं देना है प्रायोरिटीज नहीं देनी तो फिर आप क्या करो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं डोनाट पुट दैट मच क्योंकि भैया आज की डेट में इन्फ्लूर और एडवर्टाइजर के बीच में जो लाइनिंग है वो काफी पतली हो चुकी सो वॉट यू शुड डू वेट फॉर रियल रिव्यूज रियल रिव्यूज के हम कैसे वेट करते हैं देखो इंडिया में जैसे कोई भी कैमरा यूएस में अनाउंस हुआ आज की डेट में इंडिया में अफकोर्स एक से दो या तीन महीने बाद आता है निकॉन के कैमरे थोड़े जल्दी आ जाते हैं बाकी ब्रांड टाइम लेते इन दैट केस आपने क्या करना है यूएसए की वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल बी एन एच वेबसाइट एलोमा यहाँ पर आप उनके रिव्यूज जो एक्चुअल यूजर्स परचेस कर रहे हैं उनके रिव्यूज को पढ़ो सिर्फ पॉजिटिव नहीं ने नेगेटिव रिव्यूज को भी पढ़ो देन यू विल हैव अ क्लियर सेट ऑफ आइडियाज़ कि भैया कैमरा कैसा है अदर थिंग पॉपुलर फॉर्म्स में विजिट करो जहाँ पर एक्चुअली कैनन के निकॉन के सोनी के पैरासोनिक के, फ्यूजी के यूजर्स लगातार बातचीत करें फॉरम्स को आप लगातार विजिट करते हो फॉर एग्जाम्पल डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू वेबसाइट की फॉरम तो उससे आपको ये क्लियर आइडिया आता है कि अगर कुछ एक नए मॉडल में कुछ एक इश्यूज रेज होती है तो वो फॉरम्स में सबसे पहले डिस्कस होती है वहां केवल लोग उसे काफी जोर शोर से उठाते हैं सो कीप आई ऑन फॉर्म अगर आप कोई एक पर्टिकुलर नया मॉडल खरीदने जा रहे हो तो उसके बारे में कुछ एक ईश्यूज अगर आएंगी तो सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर फॉर्म्स है वर्ल्ड वाइड उनमें ये इश्यूज रेज होंगी थ्रू द यूजर्स ऑफ देयर कैमराज तो ये सारी चीजों को तवज्जो दो इन सारी चीजों को प्रायोरिटी दो बिफोर बाइंग योर न्यू कैमरा तो ये तो हो गया एक तरीका कि किस तरह से आपने अपने कैमरे को देखना है जांचना है परखना है

उनमें ये अपने आईएसओ रेंज टॉप करे और इसीलिए इन आईएसओ रेंज को सिर्फ आईएसओ रेंज अब फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स को अफकोर्स कई सारे ऐसे कैमरे जो फोर के सिक्सटी पी में हैवी क्रॉप दे रहे हैं आपको एंड द मोड इज ऑलमोस्ट अनयूजेबल टू सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्पेक्स होते हैं जो की अफकोर्स होते हुए भी आर नॉट दैट मच यूज़बल तो यहाँ पर आपको काफी जो भी स्पेक्स है उनकी एनालिस करनी है डीपली देखना है एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है कि जो भी स्पेक्स आपको दिख रहे हैं वो तो कितने हद तक सही उस कैमरे न थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज योर बजट एंड योर ओन रिक्वायरमेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे आप बहुत ध्यान से देखो जज करो कि आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप किस लिए कैमरा परचेस करना चाह रहे हो और आपका इंटायर बजट क्या है उस हिसाब से आप अपनी परचेस डिजाइन करो ये नहीं कि मेरा इतना बजट है एक लाख का या दो लाख का या तीन लाख का तो मैं अपने सारे पैसे सिर्फ कैमरे में इन्वेस्ट करूँ और यही है मेरा फोर्थ पॉइंट जहाँ पर सबसे ज्यादा गलती एक बिगनियर करता है कि अपने सारे पैसे को एक सिंगल कैमरा बॉडी विद किटल पर इन्वेस्ट कर देता है और उसकी डिजायरेबल उस किस से नहीं आ पाती एंड फाइनली उसे लगता है कि भैया अपना स्मार्टफोन ही अच्छा खींच रहा था सो so, अगर आपने इंटरचेंजेबल लेंस कैमरे से एक अच्छी आउटपुट लेनी है यू हैव टू बाई अ

टू डेवलप योर स्किल देखो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट पे अभी काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप जहां भी जहां भी फंसते हो आपको एक confusion लगता है जस्ट गूगल इट यूट्यूब में सर्च करो काफी अच्छी नॉलेज बेस्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर आपने एक पैसन आपके अंदर होना चाहिए यू शुड कंटिन्यूसली वर्क विथ योर कैमरा इंजॉय योर कैमरा प्ले विथ योर कैमरा देन यू विल नो इट्स प्रोज एंड कॉन्स जब आप कैमरा और आपके बीच में कोई भी दूरी नहीं रहेगी आप उनके कंट्रोल को इस तरह से यूज करोगे जैसे कि अभी आप अपने स्मार्टफोन के कंट्रोल्स को यूज करते हो इन दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट आप कैमरे को काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे तब जाके आप उससे एक अच्छी आउटपुट निकाल पाओगे तो यहाँ पर कैमरे के साथ फैमिलियर होना प्ले करना और उसके साथ अपनी स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है ना वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द कैमराज आर नॉट लाइक स्मार्टफोन्स कम्पलीटली क्योंकि देखो कैमरे में लगातार आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है आपको बहुत जरूरी आपको ये ध्यान देना है कि क्या मैं जो कैमरे कंपनी से एसोसिएट हो रहा हूँ उसकी लेंस माउट ओपन है या क्लोज है या अगर क्लोज लेंस माउंट है 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 तो मेरे पास इतना बजट कि मैं मैं चाहे जो और जितनी प्राइस पर अवेलेबल उस ब्रांड से मैं कर यहां पर आपको नॉट लाइक स्मार्टफोन की आज ये मॉडल लेना हूं, किसी और ले लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और फिर बीच में चेंज करना उतना फिजिबल नहीं रहता है सो आप जब एक बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उस समय आप बहुत ही कॉन्सियसली अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करो वंस यू इन्वेस्टेड डीपली इन स्पेसिफिक ब्रांड तब उस ब्रांड से हट के दूसरे ब्रांड पे जाने में आपको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज की तभी एक कैमरा परचेस करो जब आप आपको really रियली एक पैशन हो आपके अंदर कि हाँ मुझे इस कैमरे के साथ काफ़ी कुछ करना है ऑलरेडी हैव ए प्लान टू बिकम अ फैशन फोटोग्राफर टू बिकम अ ट्रैवल फोटोग्राफर और अ वेडिंग फोटोग्राफर तो यहाँ पर जब तक आपकी एक पैशन आपके अंदर डीपली आई एम गोइंग टू से जब तक वो फायर आपके अंदर इग्नाइट ना हो तब तक आप कैमरे से दूरी बना के रखो क्योंकि देखो यहाँ पर आपको एक काफ़ी डीप एसोसिएशन चाहिए अपनी मशीन के साथ ऐसा नहीं कि एक महीना दो महीना तीन महीना यूज़ करके आपने उसे कहीं उसे कहीं रख दिया सो दीज आर द दैट यू शुड कैरी इन योर माइंड बिफोर बाइंग योर फर्स्ट कैमरा सो ये सारी बेसिक मेरे टिप्स है आपको ठीक है ये कोई एडवांस लेवल की टिप्स नहीं ऐसा भी नहीं कि मैंने हर एक टिप्स को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कराया आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव ट्राइंगू अंस ऑफ नॉलेज कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखो बिफोर बाइंग योर फर्स्ट कैमरा पॉट थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव